हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात के 12 बज रहे होते हैं। राधिका अपने घर के हॉल में चक्कर लगाती हुई दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने ससुर महेंद्र का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पति की आंख खुलती है और बिस्तर पर राधिका को ना देखकर वो कमरे से बाहर आता है। तभी राधिका को वो हॉल में चक्कर लगाते हुए देखता है। तुम इतनी रात गए हॉल में ये लेफ्ट राइट क्या कर रही हो? चलकर सोती क्यों नहीं यार? और ये बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देखी जा रही हो? किसी का इंतजार कर रही हो क्या आधी रात में? जी दीपक जी, मैं ससुर जी का इंतजार कर रही हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। राधिका, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा ससुर पौवा पीने वाला ससुर है। कहीं सड़क के किनारे पौवा पीकर पड़ा होगा। सुबह जब होश आएगा तो अपने आप ही घर आ जाएगा। तुम चलो आराम करो, पूरा दिन इतना काम करती हो थक जाती होगी। चलो जाकर सो जाओ। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ये मत भूलिए कि वो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो आपके पिता है और उनके बारे में ऐसे बोलना आपको शोभा नहीं देता है। आखिर आप ससुर जी से कभी सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते हो? बस ऐसे ही मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं है। तुम्हें इंतजार करना है तो तुम करो, मैं जा रहा हूँ सोने। मुझे सुबह बहुत काम है, ऑफिस भी जाना है। मैं तो यही कहूँगा, तुम भी चलो सोने के लिए। पिताजी का तो रोज का ड्रामा है, कब तक इंतजार करती रहोगी उनका? दीपक और राधिका आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी महेंद्र नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए एक बच्चे को लेकर गाना गाते हुए घर आता है। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, हाय बड़ी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अपने पिता को नशे की हालत में गाता हुआ देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है। तभी राधिका की नजर उस बच्चे पर जाती है जो उसके ससुर के साथ आया था, जिसे देखकर वो कहती है, ससुर जी ये आपको आने में बहुत देर हो गई। आपने तो कहा था कि आप टाइम से आ जाएंगे, और ये बच्चा कौन है? अरे मेरी बहू, कैसी हो तुम? जीती रहो मेरी बहू। अरे तुमने तो पाँव ही नहीं छुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बहू, ये तुम्हारा छोटा देवर है। तुम अपने छोटे देवर का ध्यान रखना और ध्यान देना, कहीं भाग न जाए। वैसे भी बहुत कठिनाई से पकड़ के लाया हूँ इसे। पिताजी, आप ही किसका बच्चा उठा लाए? बस यही देखना बाकी रह गया था क्या? और अब आप नशे में किसी का बच्चा भी चोरी करके लेके आ गए? वैसे अच्छा है आपका कोई छोटा भाई भी नहीं था, इसी बहाने आपको कोई भैया कहने वाला आ जाएगा। तुम पागल हो? तुम्हें सिचुएशन पर हंसी आ रही है? जहाँ तुम्हें गुस्सा करना चाहिए वहाँ तुम हंस रही हो। लगता है पूरा का पूरा घर ही पागल हो गया है। अरे बहू, ये तुम्हारे पति का मुंह ऐसा क्यों रहता है हमेशा? जब देखो गुस्से में लाल हुआ रहता टमाटर जैसा। अरे पकड़ के रखना, कहीं टमाटर महंगा होने के कारण मोहल्ले वाले से पकड़ के सब्जी ना बना दे। और अगर बना दे तो बोलना, एक पाव हमें भी टमाटर लाके दे दे। क्या जोक मारे? अरे बच्चे हंस ना। अब तू हंसता क्यों नहीं? अबे हंस। ससुर जी आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए, हम सुबह बात करते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। महेंद्र लड़खड़ाकर गाने गाते हुए उस बच्चे को अपने साथ लेकर अपने एक कमरे में चला जाता है। अपने पिता की ऐसी हरकतें देखकर दीपक भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह एक भिखारन रोते हुए उनके घर आती है। कोई है इस घर में जो मेरी आवाज सुन सके? अरे मुझ भिखारन ने तुम बड़े घर वालों का क्या बिगाड़ा है जो मेरे बच्चे को ही उठा लाए। भगवान के लिए मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। भिखारन की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे से बाहर आते हैं और उससे सारी बातें जानने के बाद उसे लेकर महेंद्र के कमरे में जाते हैं, जहां उसकी नजर बेड पर सो रहे अपने बच्चे पर जाती है।
जिसे गले से लगाते हुए वो भिखारन महेंद्र से कहती है, चोर आदमी, तू मेरे बच्चे को चोरी करके अपने घर ले आया। तुझे क्या लगा था कि मैं अपने बच्चे का पता नहीं लगा पाऊंगी? देखो, मुझे इज्जत देके बात करो। मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं चुराया है, मुझे तो पता भी नहीं ये बच्चा मेरे बिस्तर पे कैसे आया। ससुर जी, इस बच्चे को कल आप ही इनका छोटा भाई बनाकर लाए थे। हमने आपसे पूछा भी कि ये किसका बच्चा है, आपने बताया ही नहीं। लगता है आपको याद नहीं है। याद होगा भी कैसे, अरे पौआ चला रखा था मैंने। देखिए, वो कल रात को नशे में मैं आपके बच्चे को उठा लाया गलती से। अरे कोई बात नहीं, आप ले जाइए, मैंने माफ किया आपको। अरे अच्छा अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, ले जाइए। महेंद्र के कहने पर भिखारन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राधिका अपने ससुर को बहुत समझाती। समय बीतता है, लेकिन महेंद्र पर अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं होता। और एक दिन शाम के समय वो पौआ पीकर मोहल्ले में सड़क के बीच पड़ा होता है। तभी उसकी पड़ोसन रमा उसके घर आती है। बहू, तेरा पौआ पीने वाला ससुर पौआ पीकर बीच सड़क पर पड़ा हुआ है, जा जाकर उसे लेकर आ घर, वरना कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाएगी और तुम लोग हाय हाय करते रह जाओगे। आप ये क्या कह रही हैं आंटी जी, ससुर जी अभी थोड़ी देर पहले तो घर में ही थे। होंगे, लेकिन अभी नहीं है, वो मोहल्ले की सड़क पर पौआ पीकर पड़े हैं। हमने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। तुम जल्दी चलो मेरे साथ। जी आंटी जी चलिए, इस ससुर जी ने भी ना जीना हराम कर रखा है। राधिका इतना कहकर अपनी पड़ोसन के साथ बाहर जाती है और जैसे तैसे करके अपने ससुर को घर के अंदर लाकर सोफे पर लिटा देती और सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। तभी दीपक वहाँ आता है और अपने पिता को बेहोशी की हालत में देखकर कहता है, ये ऐसे क्यों पड़े हैं, अभी तो रात भी नहीं हुई, इन्होंने अभी से ही पौआ पी लिया क्या? आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया ससुर जी के साथ। ससुर जी पौआ पीकर बीच सड़क पर पड़े हुए थे, वो तो पड़ोस की रमा आंटी ने आकर मुझे बता दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। सुबह तो ऐसे जेंटलमैन बनकर घूमते हैं और पौआ पीने के बाद तो उन्हें कोई होश ही नहीं रहता है। मैं क्या ही बोलूं, तुम जानो और तुम्हारे ससुर जी जाने, जो मन में आए वो करो। बस तुम कल सब संभाल लेना, वो भी अगर संभाल सको तो। नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, अगर कल भी इन्होंने पौआ पीकर ऐसे ही तमाशा किया तो अच्छा नहीं होगा। दीपक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद महेंद्र को होश आता है, जिसके बाद राधिका उसे कहती है, ससुर जी बहुत हो गया आपका, मैं आपकी इस पौआ पीने वाली आदत से परेशान हो गई हूँ। लोग हंसते हैं हम पर, इसका ससुर तो पौआ पीने वाला है कहकर ताना मारते हैं। कल नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, हो सके तो प्लीज कल पौआ पीकर कोई तमाशा मत कीजिएगा। अगले दिन लड़के वाले उनके घर आते हैं, तभी राधिका अपनी ननद को लेकर वहाँ आती है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी महेंद्र कोट पैंट पहने काला चश्मा लगाए पौआ चढ़ा कर उनके सामने आता है, जिसे देखते ही लड़के वाले खड़े हो जाते हैं। तभी लड़के की माँ कहती है, ये आदमी कौन है? ये मेरे ससुर जी है। अगर ये पौआ पीने वाला आदमी तुम्हारी ननद का पिता है तो ये शादी नहीं हो सकती। इस आदमी के चक्कर में हमें कितना घूमना पड़ा, इसने नशे की हालत में हमें गलत रास्ते पर भेज दिया, मैं वो भी भूल जाती अगर ये अभी होश में आता तो। लड़के वाले इतना कहकर रिश्ता पक्का होने से पहले ही तोड़ कर चले जाते हैं, जिस पर दीपक को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन महेंद्र के होश में आने के बाद दीपक उसे सारी बातें बताते हुए कहता है, पिताजी, आपके इस पौआ पीने वाली आदत के कारण मैंने पहले अपनी माँ को खो दिया और अब नेहा की शादी टूट गई। अगर घर में कुछ और बर्बाद करने को बाकी रह गया है तो वो भी कर लीजिए, क्या पता आपका दिल भर जाए। अपने बेटे की बात सुनकर महेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सबसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है, साथ ही अपनी पौआ पीने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करने का वादा भी करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।